इमरजेंसी में क्या खाए या इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं। लोग हमारे पास में ऑनलाइन सवाल पूछते हैं, ऑफलाइन पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त नहीं हूँ। महाराष्ट्र में 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या होता है कि आप कहीं घूमने गए, नई पार्टनर है, नई मुलाकात हुई, या गर्लफ्रेंड है उसके साथ में गए, कोई प्लान नहीं था, या एंगेजमेंट हुई है मगर फिजिकल अभी तक नहीं हुए, घूमने के लिए गए वहीं प्लान बन गया, तो वो इवनिंग एंजॉयबल होना चाहिए या वो मौका एंजॉयबल बनना चाहिए, ऐसा लगता है। और वो तो इमरजेंसी में बन गया, अचानक मौका आ गया। हो सकता है कि अचानक पेड सेक्स करने आप चले गए, सेक्स वर्कर के पास में आप चले गए, गर्लफ्रेंड अचानक मिल गई, मौका आ गया, तो ऐसे ऐसा हो सकता है। तो इस समय क्या करना है? देखिए, आजकल क्या है कि आपको कहीं भी कोई भी आप केमिस्ट की दुकान में जाते हैं तो आपको कंडोम का पैकेट तो मिल ही जाता है, क्योंकि आप जब ऐसा अचानक मौका आता है तो डेफिनेटली सेफ सेक्स करना जरूरी है। सेफ सेक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, तो कंडोम का पैकेट तो कहीं मिल जाता है। डिले वाइप्स भी मिलती है, तो डिले वाइप्स आप खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। डिले का स्प्रे मिलते हैं जिसमें लाइडोकेन प्राइलोकेन का कॉम्बिनेशन वाले स्प्रे है, या ये कॉम्बिनेशन वाले मलम है, तो वो मिलते हैं। तो ये सब आपके पास में तुरंत रहना चाहिए, आपने खरीदना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसा अचानक मौका आता है तो चांसेस ये है कि जल्दी निकल जाएगा, जल्दी गिर जाएगा, और जल्दी रोकने के लिए फिर ये सब आपके पास में तैयार होना जरूरी है। फ्लेवर कंडोम्स जरूरी है, फ्लेवर्ड डिले कंडोम्स मिलते हैं, ताकि कंडोम के अंदर ही आपको ये लाइडोकेन प्राइलोकेन जो है एनिस्थेटाइज्ड एजेंट जो है, ये एनिस्थेटिक एजेंट जो है, वो एनिस्थेटिक एजेंट वहाँ रहते हैं, तो उससे नमनेस आता है और जल्दी गिरेगा नहीं। ये कंडोम फ्लेवर्ड भी रहते हैं ताकि ओरल सेक्स हुआ तभी भी सामने वाले पार्टी को अच्छा लगेगा, अब के महिला पार्टनर को अच्छा लगेगा। तो ये सब आपको तैयारी में रहना जरूरी है। देखो, अचानक मतलब अचानक ही नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ पहले इंडिकेशन तो मिलते ही है, वार्निंग तो मिल ही जाता है कि हो सकता है कि चांस मिल जाएगा, तो फिर ये आपने आपके पास में रखना जरूरी है। तो फिर मैंने क्या बताया, जस्ट एक उसकी लिस्ट, डिले स्प्रे, डिले वाइप्स, डिले फ्लेवर कंडोम्स, ये सब होना जरूरी है। हो सकता है कि आपके पास में वायग्रा तो गोली कोई भी केमिस्ट की दुकान में वैसे मिल सकती है, नहीं तो फिर आपने आपके पास में रखना चाहिए। जब आपको लगता है कोई इंडिकेशन है, इशारे पहले मिले हुए, तो वायग्रा की गोली है, टाडालाफिल की गोली है, ये दवाइयाँ जो है ये 15-20 मिनट में 25 मिनट में काम करती है। आपको तुरंत काम करना है तो एरोक्सोन स्प्रे है, वो मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं कि तुरंत लिंगे ऊपर मार दिया स्प्रे तो हो जाता है काम, इरेक्शन आ जाएगा। आपने आपको स्प्रे नहीं मिला डिले स्प्रे, तो आप डिले ऑइंटमेंट ले सकते हैं। डिले ऑइंटमेंट को टाइम देना पड़ता है आपको 5-10 मिनट, और उसके बाद में आप पेनिस को धो सकते हैं, क्योंकि बाद में ओरल करना है तो फिर धो के रहना अच्छा है, मतलब धोना अच्छा है, नहीं तो फिर वो पार्टनर के मुंह में जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब प्रिकॉशन यदि आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और आपको मौका मिलता है कि नहीं आपको 1-2 घंटे के बाद में चांस मिलने वाला है, अचानक मिलने वाला है, तो फिर उसमें उस समय मास्टरबेशन कर लेना और गोली लेना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अचानक चांस में हरदम यही होता है कि जल्दी निकल जाना, और फिर मूड खराब हो जाता है दोनों का भी, और फिर आगे उसके रिपरकशंस है, आगे उसके इम्पैक्ट है ना। गर्लफ्रेंड बोल सकती है कि नहीं नहीं ये तो कुछ मजा ही नहीं आया, और फिर आगे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए तैयारी में रहना, डिले स्प्रे, डिले कंडोम्स, पेनाइल रिंग्स मिलती है, रबर बैंड आप लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद में ये भी आपको मालूम होना चाहिए जो मेरे अलग अलग वीडियो में है कि भाई स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, फिर अपना मन इधर उधर भटकना है, डाइवर्ट योर अटेंशन, स्क्वीज टेक्निक है, पहले मास्टरबेशन कर लेना है, फीमेल सुपीरियर पोजीशन है, कीगल्स उस समय तो नहीं कर सकते हैं तुरंत, मगर वो आप पहले से आदत लगा दे तो अच्छा है। तो ये सब करते हैं तो अचानक मौका आ गया तो वो उत्सव आप अच्छा मना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो,
सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।